ओम नमो शिवाय। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों सोमवार व्रतों के बारे में शुभ तिथियां बताती हूं, कब शुरू होंगी और कब ख़त्म होंगी। इस बार 59 दिनों का सावन का महीना है, यानी कि 60 दिनों का। सावन के महीने सभी सोमवार व्रत बेहद खास होते हैं। इस साल सावन 2 महीनों का होगा, जिस कारण सावन में 4 सोमवार की बजाय 8 सोमवार पड़ेंगे और हमें इस साल 8 सोमवार रखने पड़ेंगे और ये 8 सोमवार 16 सोमवार के बराबर होते हैं। वही पहला सोमवार व्रत हमारा होगा 10 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन रवि योग और गज केसरी योग रहेगा, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। ऐसा खास संयोग 19 साल बाद बन रहा है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, अभी मैं आपको सोमवार व्रत तिथियां 2023 की, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कब कब पड़ेंगी। पहला सोमवार 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को और चौथा सोमवार 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को, छठा सोमवार 14 अगस्त को, सातवां सोमवार 21 अगस्त को और आठवां सोमवार 28 यानी कि अगस्त को होगा। आइए जान लेते हैं सावन मास में किए जाने वाले नियमों के बारे में। तो दोस्तों सुनो, मान्यता है कि सावन के महीने में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो सावन के महीने में दाढ़ी मूछ या बाल आदि नहीं कटवाने चाहिए। सावन के महीने में लहसुन प्याज बैंगन मूली खाना वर्जित होता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें अशुद्ध मानी जाती हैं। दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती नंदी और कार्तिकेय और गणपति जी की भी पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। सावन में जो भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें एक ही समय भोजन करना चाहिए। शिव पूजन में ध्यान रखें कि शिव जी को केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए और नहीं रोली हल्दी या कुमकुम अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप सबको ये वीडियो मेरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमो शिवाय।